सब्सक्राइब कीजिए सीओबी वर्ल्ड चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को फॉर गेटिंग एवरी लेटेस्ट अपडेट। फ्रेंड वेलकम टू द सीओबी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, मैं हूं सुपनील और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कमिंस इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे के बारे में। तो जो कमिंस का कॉलेज है पुणे का, उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो से देखने वाले हैं। फ्रेंड्स लास्ट तक वीडियो आप देख सकते हैं, आपके सभी प्रॉब्लम्स और डाउट एक ही वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। हम कॉलेज फी, हॉस्टल फी, फैकल्टी, लोकेशन, प्लेसमेंट कितना है, एवरेज प्लेसमेंट कितना है, कौन कौन सी कंपनीज विजिट करती है, फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड की जाती है, स्टूडेंट सपोर्ट कैसा है, कैंपस कैसा है और कट ऑफ कितना जाता है, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, आपके सभी प्रॉब्लम्स और डाउट एक ही वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। अगर कमिंस पुणे की ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट देखी जाए फ्रेंड्स, तो 1991 को यह कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था। तो 1991 को इस कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। वही इस कॉलेज की रैंकिंग देखी जाए तो 173 इस कॉलेज की रैंकिंग है फ्रेंड्स। तो 173 इस कॉलेज को रैंक मिला है 1991 को इस कॉलेज की ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। और आगे बढ़ने से पहले बता दो आपको, और भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की रिव्यू वीडियो देखने होगी तो सिर्फ एक बार चैनल पर जाना है, विजिट करना है और प्लेलिस्ट ओपन करके देखना है। वहाँ पर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू वीडियो में सब जो टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज है उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ज़रूर वहाँ से आपके सभी प्रॉब्लम्स और डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर इस कॉलेज की फ़ी देखी जाए वन ईयर की, अगर आप ओपन कैटेगरी से आते हो तो आपको वन ईयर की इस कॉलेज की 1,80,000 रुपीज़ फ़ी लगने वाली है फ्रेंड्स। 1,80,000 रुपीज़ ओपन कैटेगरी की वन ईयर कॉलेज की फ़ी लगने वाली है। अगर आप OBC या फिर SC ST कैटेगरी से आते हो तो आपको इससे भी बहुत ज़्यादा कम कॉलेज की फ़ी हो जाएगी। तो कम कॉलेज की फ़ी लग सकती है अगर आप कैटेगरी से आ रहे हो तो, या फिर आप रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हो तो कम फी आपको पे करनी पड़ेगी। और ओपन कैटेगरी के लिए 1,80,000 रुपीज़ वन ईयर की फ़ी है। वही हॉस्टल की फ़ी जो है वो 88,000 रुपीज़ वन ईयर की आपको लगने वाली है फ्रेंड्स। तो 88,000 ऑल कैटेगरी के लिए वन ईयर की फ़ी आपको लगने वाली है, तो उसी हिसाब से आपको देखना है। फैकल्टी आपको अच्छी मिलेगी। लोकेशन देखा जाए तो पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन से यह कॉलेज 11 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर आता है फ्रेंड्स। तो कनेक्टिविटी का भी ज़्यादा कुछ इशू आपको आने वाला नहीं है। तो इसके बाद हम इस कॉलेज में कौन कौन सी कंपनीज विजिट करती है, कौन कितना इनका एवरेज पैकेज है, कितना इनका हाईएस्ट पैकेज है, कितना इनका कट ऑफ है, वो सब चीज़ें देखने वाले हैं फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले बता दूँ, आपके MST CET के स्कोर के ऊपर या फिर आपके डायरेक्ट सेकेंड ईयर के स्कोर के ऊपर या फिर आपके JEE Mains के स्कोर के ऊपर आपको महाराष्ट्र में कौन कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज लग सकता है आपके मार्क के बेसिस के ऊपर, उसकी टोटल लिस्ट आप COP वर्ड से मंगा सकते हैं फ्रेंड्स। टोटली टॉप एक्सपर्ट से डिज़ाइन की हुई लिस्ट आपके मार्क के बेसिस के ऊपर, आपके स्कोर के ऊपर आपको मिल जाएगी। तो टोटल 50+ कॉलेज की लिस्ट आप आपके स्कोर के ऊपर मंगा सकते हैं। उसी लिस्ट को आप आपके कैपराउंड और एडमिशन राउंड में यूज़ करके कंपटीशन को भी बीट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो उस लिस्ट को मंगाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाना है, क्लिक करना है, टोटल इन्फॉर्मेशन को रीड करके COP वर्ड की काउंसिलिंग फी पे करके COP वर्ड की टीम के साथ आप टोटली डिस्कशन कर सकते हैं। तो ज़रूर लिस्ट मंगाइए और कॉम्पिटिशन को बीट कीजिए। अगर इस कॉलेज में हम प्लेसमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो इस कॉलेज का जो हाइस्ट जो पैकेज है वो 29 लाख रुपीज़ का है फ्रेंड्स। तो हाइस्ट पैकेज 29 लाख का है, जो 6 स्टूडेंट को सिस्को कंपनी ने ऑफर किया था। वही उसके बाद 22 लाख का भी इनका हाइस्ट पैकेज है जो गोल्डमैन सैक ने ऑफ़र किया था फ्रेंड्स। तो 29 लाख का इनका हाइस्ट पैकेज उन्होंने बताया है जो सिस्को ने ऑफ़र किया था। एवरेज पैकेज हम कॉलेज के डेटा के हिसाब से अगर जाते हैं तो 8 लाख उन्होंने बताया फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल वे में जाते तो 4 to 7 लाख इसके बीच में, इसके रेंज में जनरल स्टूडेंट का पैकेज उनके डेटा के हिसाब से चलता है फ्रेंड्स। तो 4 to 7 लाख इसके बीच में आपको पैकेज मिल सकता है डिपेंडिंग आपके स्किल के और परफॉर्मेंस के ऊपर। इस कॉलेज की कंपनीज विजिट देखी जाए तो मर्सिडीज बेंज, मास्टर कार्ड, HP, Amazon, कुछ इस टाइप की कंपनी आपको इस कॉलेज में विजिट करते हुए देखेंगे फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम इस कॉलेज की फैसिलिटीज देखी जाए तो लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑडिटोरियम, जिम, मेडिकल, हॉस्टल, कैफेटेरिया, ये सब चीज़ें भी आपको इस कॉलेज में जनरली मिलने वाली है फ्रेंड्स। तो आगे हम कट ऑफ देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बता दूँ आपका MST CET का स्कोर और भी ज़्यादा बूस्ट करने के लिए आप COP वर्ड के स्पेशली डिज़ाइन बाय एक्सपर्ट, MST CET मॉक टेस्ट और बेस्ट स्ट्रेटजी बुक का भी यूज़ कर सकते हैं। उससे आपके कहाँ पे सिली मिस्टेक हो रही है, आपकी एक्यूरेसी के लेवल कितने, आपका टाइम मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं, सब चीज़ें आपको मिलने वाली है फ्रेंड्स। तो उस चीज़ को आप ज़रूर बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर चल रहा है, आप ज़रूर इसका यूज़ कर सकते हैं और आपका जो स्कोर भी और जो भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। स्टूडेंट सपोर्ट देखा जाए तो एंटी रैगिंग, फेरी रिपोर्ट, काउंसलिंग सर्विस, इन सभी चीज़ों का इस कॉलेज ने भी ध्यान में रखा है। इस कॉलेज का कैंपस का वीडियो आपको COP वर्ड के इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगा फ्रेंड्स, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप फॉलो करके रख सकते हैं। वहाँ पे आपको अदर इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस की वीडियो भी मिल जाएगी, फॉलो करके रखें क्योंकि आने वाले दिनों में भी हम बहुत सारे वीडियो वहाँ पे अपलोड करने वाले, तो आपकी फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएंगी फ्रेंड्स। अगर इस कॉलेज का हम कट ऑफ देखते हैं तो प्रीवियस 3 ईयर का कट ऑफ का कंपैरिजन करके और एनालिसिस करके मैं आपको सामने ला रहा हूँ फ्रेंड्स कट ऑफ को। तो राउंड 1 का हम कट ऑफ देखेंगे
फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए। राउंड वन में आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए होगी तो सीएस के लिए जनरली ओपन कैटेगरी से आप आते हो तो 98.50% तक स्कोर लगता है। ओबीसी के लिए 98% तक स्कोर लगता है। एससी के लिए 92% तक स्कोर आपको जनरली लगने वाला है फ्रेंड्स। वही अगर आप एनटी वीजे से आते हो तो 96% तक आपको स्कोर लगता है और एसटी कैटेगरी के लिए 80% तक स्कोर आपको लगने वाला है फ्रेंड्स। तो बाकी आपको डिटेल कैटेगरी वाइज हर एक ब्रांच का भी देखना होगा तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, उसी हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उसकी भी कुछ इस वीडियो से हेल्प होनी चाहिए। और 50+ कॉलेज के लिए ज़रूर मंगाइए और कॉम्पिटिशन को बीट कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। मॉक टेस्ट का भी आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और आपका जो स्कोर है और भी ज़्यादा लेवल तक बूस्ट कर सकते हैं। और किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिर्फ एक बार चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए और इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू वीडियो ये प्लेलिस्ट आप ओपन करके देख सकते हैं, वहाँ से आपके सभी प्रॉब्लम्स और डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकॉन को जरूर हिट करके रखिए क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपके प्रॉब्लम्स और डाउट ऐसे ही क्लियर होते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।